हम बात कर रहे हैं सीबीएसई के 10वीं क्लास के नतीजों की। उम्मीद है कि सीबीएसई आज 10वीं के नतीजों का ऐलान कर सकता है। और इस बार कोरोना के कारण 10वीं की बोर्ड परीक्षा तो रद्द कर दी गई थी, लिहाजा नतीजे को लेकर छात्रों और उनके पेरेंट्स के मन में काफी उत्सुकता है। हर साल की तरह इस साल भी नतीजों को सीबीएसई की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और जरिया है अनंत रिजल्ट देखने का, कौन सा है जरिया, हम अपनी रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं के लाखों छात्रों, उनके मम्मी पापा और दोस्तों और रिश्तेदारों को जिस घड़ी का इंतजार था वो करीब आती जा रही है। माना जा रहा है कि सीबीएसई आज 10वीं के नतीजों का ऐलान कर सकता है, लिहाजा छात्रों की धुकधुकी बढ़ी हुई है। रिजल्ट को लेकर छात्रों के मन में एक सवाल ये भी है कि वो नतीजे कहाँ और कैसे देखें। तो इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है कि छात्र ये नतीजे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ डिजी लॉकर ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। डिजी लॉकर ऐप के जरिए रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही परिणाम जारी होंगे वैसे ही रजिस्टर करने वाले के पास खबर पहुंच जाएगी। हम आपको नतीजे देखने के लिए डिजी लॉकर अकाउंट बनाने का तरीका भी बताते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले accounts.digitallocker.gov.in पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखें, इसके बाद 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन सेट करें, अपनी ईमेल आईडी लिखें, इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के साथ ही यूजर नेम भी बनाना होगा। जो छात्र किसी वजह से डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना पाते हैं वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो सुनीता, छात्रों को, उनके अभिभावकों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। और ये रिजल्ट इस मायने में भी खास है क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी, उसका बाकायदा कायदा तय किया गया था कि किस आधार पर छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। तो छात्र ये देखने को उत्सुक हैं कि बिना परीक्षा के कैसे नंबर हासिल करते हैं वो इस बार। तो हम आपको बता दें कि तमाम घरों में इंतजार हो रहा है और थोड़ी ही देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कब तक ये रिजल्ट आ सकता है। सीबीएसई आज नतीजों का ऐलान कर सकती है 10वीं के छात्रों का। लाखों बच्चे इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स इस बारे में इंतजार कर रहे हैं कि कैसे रिजल्ट आता है, कैसा रिजल्ट आता है। इंटरनल असेसमेंट इस बार मुख्य जरिया है, रिजल्ट का आधार इस बार वही बना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर भी आप रिजल्ट जाकर देख सकते हैं।